बहुत ही यूनिक आइटम है, बहुत अलग है। मैं पहली बार खा रहा हूँ बाटी चोखा और ट्रस्ट भी मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी सीरीज जायका उत्तर प्रदेश का के एक और एपिसोड में। आज हम आए हैं बनारस के एक और मशहूर रेस्टोरेंट में जिसका नाम है बाटी चोखा, जो कि लिट्टी चोखा के नाम से भी मशहूर है बिहार में। हालांकि ये पूर्वांचल की कुजीन है ये, और बिहारी लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं गाइस, तो ये तेलियाबाग लोकेशन में पड़ता है और बिल्कुल साथ में इसके का आनंद मंदिर सिनेमा हॉल है। चलते हैं अंदर, बात करते हैं अवनीश जी से जो यहाँ के मैनेजर है, और जानते हैं उनके बारे में। अगर आप देखें, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो यहाँ पे उपले पड़े हुए हैं गोबर के, और देखते हैं यहाँ पे इसका क्या यूज होता है। तो मिलते हैं आशीष जी से जो यहाँ के मैनेजर है। क्या हाल है सर आपके? क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया एकदम बढ़िया। सर कुछ बताइए यहाँ के बारे में, उपलों का क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बताएंगे सर। जो हमारा बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, अच्छा, हम जो है हमारे रेस्टोरेंट का जो थीम है वो बिल्कुल गांव का थीम है। अच्छा, गांव का थीम बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो लोग शहरी होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलते हुए जा रहे हैं, हम उनको दोबारा वो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति पहले भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है और कल भी बहुत अच्छी रहेगी। राइट, सही कहा। जो हम कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न का, वो कॉपी न करके अगर हम अपनी चीजों को कॉपी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को और दीर्घायु बनाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, जो कि चूंकि हमारा स्वास्थ्य ज्यादा खान पान से ही संबंध रखता है, हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, विचार होगा, वैसे हमारी बुद्धि होगी। तो उस कंसेप्ट को लॉन्च करते हुए हम लोग जो है उपले पे जो है बाटी बनाते हैं। अच्छा। और दाल जो है वो मटके में बनाते हैं। आप अच्छा। सामने देख सकते हैं। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो दाल है वो मटके में बनाई जा रही है, और ये दाल जो है ये शुद्ध हमारे फार्म हाउस पे जो है बनाई गई है। ओके। वहाँ से जो है उगाई जाती है, यहाँ ला करके उसको अच्छे से सुखा करके छांट करके उसको फिर जो है दर करके जाता से जो है, समझ गया, वो घर का ये दाल है। हम लोग बाहर से मार्केट का दाल, मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, बिल्कुल सही बात है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि अवनीश जी ने कहा है कि सब कुछ ऑर्गेनिक है, और आज की तारीख में अगर आपको ऑर्गेनिक खाना मिल जाए बड़े बड़े शहरों में तो क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि उसी चीज के लिए हम ढूंढते हैं। आपको पता है कि आजकल हर चीज में मिलावट है, तो अगर आपको साफ सुथरा पौष्टिक एक प्रॉपर आपको गाँव का खाना जिसे कहा जाता है, बिल्कुल गाँव पर जैसे गाँव का खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आपका प्रोसेस है पूरा सेकने का प्रोसेस है। अभी देखिए कंडे लगे हुए हैं कि ये कंडे थोड़े से अभी आंच ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हम लोग फोड़ करके थोड़ी सी आंच धीमी करेंगे, इसके बाद उसको फैला करके उसके ऊपर जो हम लोग बाटी बना के रखे हुए हैं, बाटी बना के रखे, तो बाटी उसमें एक साथ डाल देंगे और उसको जो है हर मिनट जो है इसको ऐसे बदलते रहेंगे, ताकि हमारी बाटी जो है पूरी तरह से चारों तरफ से अच्छी से पक जाए। अच्छा, आप कोयले का यूज नहीं करते? नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ पे गोरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखा जाए कि बहुत उपले जो होते हैं बहुत शुद्ध माने जाते हैं, बिल्कुल, ये पूजा में भी हमारे यहाँ यूज किया जाता है उपलों को। और तो आप सोचिए कितना शुद्ध खाना आप खा रहे हैं कि उपलों में इसको बाटियों को सेका जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो अवनीश जी फिर चलते हैं अंदर, आइए सर, आपका स्वागत आगे है। और बात करते हैं हमसे, बिल्कुल प्लीज कम। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए हमने अपने भारतीय संस्कृति को पिरोते हुए रेस्टोरेंट में तुलसी का पौधा लगाया है कि अच्छा। लोग आए जाएं देखें तुलसी, जो कि हमारे ऑक्सीजन को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल स्वास्थ्य सही के बात। लिए पूजा के लिए हर जगह पे इनकी बड़ी मान्यता है, बहुत मान्यता है तुलसी माता की, बहुत मान्यता है। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी ग्रीनरी भी कर रखी है। हाँ, ये आंवले का पेड़ है और बाकी सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कुछ हमारी ऑडियंस को कुछ अपने सेटअप के बारे में बताइए, मुझे एक विलेज का सेटअप लग रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा सेटअप बिल्कुल गांव का है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेटिंग के लिए हमने चारपाई की व्यवस्था की हुई है। मैं वही देख रहा था, आपने ये चारपाई रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो की गाँव में आपको ये चारपाई देखने को मिलती है, शहरों में तो ये ढूंढने पर भी नहीं मिलती। अब नहीं मिलती। और मैं अच्छा, आपका ये मिठाइयों का भी है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमने स्वीट्स का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है कि हमारे जो भी कस्टमर आए अगर वो स्वीट प्रेमी है, लवर्स है, तो इन मिठाइयों का आनंद लेकर के वो हमारे खाने को पूरी तरह से कंप्लीट करें। अच्छा, तो गाइस जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं इधर मिठाई के बारे में, यहाँ पे देखिए कि ये गुलाब जामुन रखा हुआ है, और देखिए साइज देखिए गुलाब जामुन। तो ये जो गुलाब जामुन है ये फैमिली गुलाब जामुन है। अच्छा। एक आदमी लेते हैं तो दो या तीन या चार लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। वही मैं देख रहा हूँ, काफी बड़ा गुलाब जामुन, मैंने ये पहली बार देखा इतना बड़ा गुलाब जामुन, मैंने पहले कभी नहीं देखा। फैमिली गुलाब जामुन हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये आपकी स्पेशल आइटम है फैमिली गुलाब जामुन? हाँ,
ठीक है, इसको MBBS भी कर सकते हैं, मियां बीबी बच्चे सहित। और ये एक मिठाई का नाम है राधा प्रिया, इसका क्या मतलब, ये किसका मिक्सचर होता है मिठाई, ये किस चीज से बनती है? ये सब इसमें काजू का भी है, इसमें खोवा है, इसके बाद जो है चीनी और ये हवाई बादाम बादाम डाल करके हमारे कारीगर इसको बनाते हैं। अवनीश जी, जैसे तिरंगा बर्फी मैं देख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे मिट्टी से, हमारे देश से, अपने स्वदेश से जो प्रेम करते हैं, कहीं न कहीं उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिलती है और लोग इसको खा करके काफी मतलब आनंद अनुभूत करते हैं। हाँ हाँ, और उनको अपने इसको देखकर ही अपना स्वदेश प्रेम बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है। अच्छा। लोग जो है बड़ी प्रसन्नता से इस मिठाई को खाते। तो मुझे तो लगता है 15 अगस्त वाले दिन और 26 जनवरी वाले दिन तो ज्यादा सेल होती है। ज्यादा 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 बहुत ज्यादा सेल होती है। चलो बड़ी अच्छी बात है। तो गाइज, ये इनके मिठाई का सेक्शन है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें बताइए। अब देखिए, हमारी जो खास मिठाई है ये, अच्छा जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कोकोनट टैंगो है। अच्छा, कोकोनट टैंगो जी। अच्छा, तो ये क्या, इसकी मेकिंग के बारे में कुछ बताइए मुझे, कैसे बनती है? इसके ऊपर कोकोनट का हमने डेकोरेशन किया है और इसके अंदर नारियल का पानी दिया है और इसमें जो है छेना है पूरी तरह से जो है। अच्छा, मिल्क क्रीम और छेना। बिल्कुल। ओके ओके, चलो हम ये ट्राई जरूर करेंगे, आपकी स्पेशल है तो। और ये हमारी केसर की लस्सी है। और केसर लस्सी आपकी, जैसे आप देख सकते हैं कि उपलों को जला के उनको फिर थोड़ा ठंडा करा जाता है और एक राख की शेप में बनाया जाता है, फिर उसके बाद में उन्हीं उपलों में इसको सेका जाता है बाटी को। बाटी जो होती है प्योर आटे की होती है। हाँ, प्योर आटे की होती है और इसके अंदर जो है सत्तू भरा हुआ है। सत्तू भी कोई आम सत्तू नहीं है, ये हमारे यहाँ खुद जाते से जो है चने से सत्तू को पीसा जाता है। ओके। और उसी सत्तू को जो है इसमें जो है भरा जाता है। अच्छा, इसमें भरा जाता है। बिल्कुल। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि तैयार हो रही है, तो लगभग कितना टाइम लग जाता है इसको सिकने में? इसको सिकने में 20 मिनट का टाइम लगता है। पूरा मेकिंग टाइम इसका 40 मिनट्स का है। अच्छा, 40 मिनट्स का आटा लगाने से लेकर के पूरा बनाने तक। तो मतलब आटा और सत्तू यही दो चीजों से बनता है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये फिर हार्ड हो जाता है बनने के बाद? हाँ, बनने के बाद बहुत हार्ड नहीं होता है। अच्छा, नॉर्मली अंदर से सॉफ्ट रहता है ये? हाँ, अंदर से सॉफ्ट रहता है, ऊपर से हरा सा कुरकुरा जो रहता है बहुत ही टेस्टी होता है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट की मेकिंग लगती है इसको बनाने में और उसके बाद फिर ये सर्व करते हैं। और अगर मैं इन मटकों की बात करूँ तो इन्हीं मटकों में दाल बनाई जाती है और दाल के बाद इसको सर्व किया जाता है इसके साथ, और साथ में इसका चोखा जो है वो भी दिया जाता है। चलते हैं गाइस, फिर हम अंदर इनके डाइनिंग में। आइए, आपको डाइनिंग तक ले। दोस्तों, आ चुके हम अपनी टेबल पे। सबसे पहले मैं आपको एक और यूनिक चीज दिखाता हूँ यहाँ की। वैसे तो मैंने काफी यूनिक चीजें देख ली हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ का मेन्यू चेक कीजिए गाइस, लुक एट दिस गाइस। मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं भी ऐसा मेन्यू देखा होगा। एंटीक है ये भी और बहुत कुछ बोलता है ये। तो मजा आ गया गाइस मेरे को तो। यहाँ पे एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से इन लोगों ने काम किया है, एक एक एंटीक पे, एक एक चीजों पे। तो मेन्यू देखिए आप। और अगर मैं यहाँ की प्राइजेस की भी बात करूँ गाइस, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इस रेट पे ये लोग कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पता नहीं, ये आप ही लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी कॉम्बो ऑफर्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखिए तो इनका जो पहला ऑप्शन है वो है स्पेशल बाटी चोखा। इसमें लगभग कितने तरह की आइटम्स होती हैं अवनीश जी? इसमें पूरे आइटम्स हैं आपका, स्टार्टर से लेकर के मेन कोर्स से लेकर के स्वीट डिश तक 10 से 15 आइटम्स होती हैं। आराम से, आराम से। ठीक है। और इनकी एक और कॉम्बो ऑफर है जिसमें एक खिचड़ी की प्लेट देते हैं, तो जिसका भी प्राइस चेक कीजिए, ये भी मात्र 325 रुपए में। इसमें भी आप देखिए कुछ आइटम्स लेस हो जाती हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ रोटी थाली, ये भी 325 की है, इसमें भी काफी आइटम्स मुझे दिख रही है, ये भी मात्र 325 रुपए। और ये इनका जो लास्ट ऑप्शन है दाल पूरी थाली, इसमें क्या पूरी यूज की जाती है? ये दाल पूरी हम लोग बना के देते हैं। अच्छा। इसका दाल स्टफिंग करते हैं। ओके। और इसके साथ जो है जो भी सीजनेबल सब्जी होती है, जैसे भी फोड़ा की सब्जी दे रहे हैं, बखीर दे रहे हैं। ओके। तो ये देसी, बिल्कुल देसी आइटम है जो हम लोग ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात है इसके साथ डेजर्ट भी होता है हर आइटम को। यूजली आप कॉम्बोज में जाएंगे तो उसमें मैं एक डेजर्ट भी देख पा रहा हूँ। तो बाकी अवनीश जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी एक और आइटम है जो मैंने देखी थी, कोकोनट टैंगो। जी बिल्कुल, तो वो मैं जरूर ट्राई करूंगा क्योंकि वो थोड़ी अलग है, थोड़ी अतरंगी है। हाँ जी, तो वो भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल। तो गाइज, करते हैं शुरू फिर अपनी थाली और टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। तो आते हैं एक एक करके आइटम्स फिर हम आपको दिखाते हैं। धनिया की चटनी है। अच्छा। और ये टमाटर की चटनी है। अच्छा, टमाटर और प्याज की। जी ओके। और ये सलाद है, मूली है। ठीक है। और ये ग्रीन चिल्ली है।
अच्छा, एक ग्रीन चिली हो गई। और ये सबसे पहले हम स्टार्टर में वेलकम ड्रिंक में हम मट्ठा देते हैं। अच्छा, ये मट्ठा जो है तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये मट्ठा होता है इनका, और ये एज अ वेलकम ड्रिंक ये दिया जाता है, सर्व किया जाता है। तो आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में। हाँ, ये गाँव का बिल्कुल शुद्ध चीज है, इंग्लिश में इसको बटर मिल्क भी बोलते हैं। बटर मिल्क, राइट, बिल्कुल। और ये हमारे खाने को बड़े अच्छे से पचाता है और बहुत एनर्जी देता है। तो जैसे आप और भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व की जाती है, तो हम लोग बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक का विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि गांव से रिलेटेड जैसे दूध दही मट्ठा होता है, बिल्कुल सही बात, उस हिसाब से हम अपने यहाँ सभी गेस्टों को जो है मट्ठे से उनका वेलकम करते हैं, और इसी से होना भी चाहिए। बिल्कुल, तो गाइस एक और यहाँ की सबसे बड़ी बेहतरीन चीज मुझे लगी कि अगेन कुल्हड़ का यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट मैंने बनारस में देखा कि हर चीज में ये लोग कुल्हड़ का यूज करते हैं, हर चीज में, जो कि अपने आप को एक समझिए कि मिट्टी से जोड़ के रखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपको कुल्हड़ में फ्लेवर मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको वो नॉर्मल ग्लासेस में या किसी और चीज में आपको वो फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज मुझे बनारस की लगी है। सबसे पहले मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वेलकम ड्रिंक है तो ओहो बहुत बढ़िया, तृप्ति मिल गई दिल को, मजा आ गया गाइस। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, बहुत लाइट है, जैसे होता है बटर मिल्क यूजली, जैसे मैंने आपको दही की मेकिंग इनकी दिखाई थी तो उसी दही की बनाई जाती है ये। बिल्कुल सर, बहुत लाइट, बहुत अच्छा नमक का यूज हुआ है इसमें, काला नमक पड़ता होगा इसमें। बिल्कुल सर, काला नमक, जीरा पाउडर है। तो बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, बेस्ट है वेलकम ड्रिंक खाना खाने से शुरू करने से पहले, तो मेरे हिसाब से तो जरूर पीजिए जब भी आप अपनी थाली शुरू कीजिए। तो दोस्तों करते हैं इसको खत्म, फिर उसके बाद अपनी थाली टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। अब ये है अपना गांव का फरा। अच्छा, इसे कहते हैं फरा। अच्छा, ये मेरे लिए गाइस नई चीज है, इसे कहते हैं फरा। कुछ इसकी मेकिंग के बारे में बताइए। बिल्कुल, मेकिंग बारे में हम ये बताएंगे कि ये जो लेयर लगा हुआ है सर सामने साइड साइड से, हाँ, ये चावल के आटे का है। अच्छा, चावल के आटे का। और इसके अंदर जो स्टफिंग की गई है, इसमें उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, इसको जो है बढ़िया से भिगा करके, फिर इसको बढ़िया से पीस करके, फिर इसको बढ़िया से भूज करके इसके अंदर डाल करके, और फिर पानी में एक इस तरह से लेयर आता है चावल के आटे का, उसमें इसको भर करके करके इसको जो है पानी में उबाल के इसको पकाते हैं अच्छी तरीके से। जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो इसके ऊपर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल करके फिर इसको हम लोग कटिंग करके इसको फ्राई करके अपने गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। समझ गया मैं, समझ गया। और ये फरा खा, ये एक्चुअली पूर्वांचली कुजीन है ये भी। हाँ, ये पूर्वांचल का पूरा सीन है ये। गाँव में जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो घर में जो महिलाएं होती है वो इसको बनाती है। एज अ स्टार्टर यूज होता है ये एज ए स्टार्टर खाने से पहले, मेन कोर्स से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये पूर्वांचल का स्टार्टर है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो। खा के देखते हैं अभी, पहले रखते हैं, पहले और आइटम्स आप रखिए। और ये दाल की पकौड़ी है। अच्छा, ये दाल की पकौड़ी हो गई, ठीक है। और ये पनीर पापड़ पकौड़ा है। अच्छा, ये पनीर पापड़ पकौड़ा, ओके, ऑलराइट, बहुत ही अच्छी। तो ये सारे स्टार्टर्स में आ गए आपके। बिल्कुल, सब स्टार्टर्स के पार्ट है, राइट, ओके। अच्छा, ये आपकी दाल है, ये आपका हो गया चोखा, ये हो गई दाल, ये सर पनीर। अच्छा, ये पनीर बाटी, इसमें पनीर की फीलिंग होती है। अच्छा, ये सत्तू की हो गई, ओके। राइस हो गया। अच्छा, ये बॉइल्ड राइस हो गया आपके। अच्छा, ओके। और ये आपका हो गया खीर। अच्छा, ये खीर है आपकी, ओके। तो ये सारी आइटम्स आ चुकी है। हाँ, वो तो मेन है, उसके बिना तो ये बाटी चूरमा जीरो है। अभी इसको हीरो बनाते हैं, अभी इसको हीरो बनाते हैं। लाओ बेटा घी। दोस्तों पहले मैं इनका फरा ट्राई करता हूँ, ये स्टार्टर होता है जैसे अभी जी ने बताया। तो ये मैं इनका ट्राई करता हूँ चटनी के साथ, इनकी जो पुदीने और धनिया की चटनी है। बाकी कमाल की चीज है, मतलब लाइफ में मैंने पहली बार खाया, मैंने तो नाम भी पहली बार सुन रहा। फरा काफी अच्छा स्टार्टर है ये पूर्वांचल का, तो बहुत बढ़िया। मैं प्याज की चटनी के साथ भी खाता हूँ, बहुत ही यूनिक आइटम है, बहुत अलग है, बहुत बढ़िया गाइस, मजा आ गया, बहुत यूनिक आइटम है। इसका बनाने का जो टेक्निकल है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए ये लोग गाँव में जो है बनाते हैं, लेकिन किसी खास फंक्शन के लिए बनाते हैं, जब कोई त्योहार आता है, ओकेजन में कोई फंक्शन में इसको बनाया जाता है। यानी बहुत अच्छा स्टार्टर है गाइस ये वाकई में ही, मतलब ये पूरी कम्प्लीट थाली अगर फरा है इसके अंदर तो काफी अच्छी आइटम है, बहुत आप ट्राई कर सकते हैं इसको, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अब मैं इनकी एक पकौड़ी है, ये होती है आप दाल की पकौड़ी होती है, ये उड़द दाल, हाँ, उड़द दाल की पकौड़ी है, चना दाल। गाइस बहुत ही क्रंची है, बाहर से बहुत क्रंच है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया है ये भी। और मैं इनका ट्राई करता हूँ ये पनीर पापड़ जी, पनीर पापड़ पकौड़ा। तो इसमें जो ऊपर की कोटिंग है ये किससे की जाती है? अंदर पनीर है, बाहर से पापड़ है। अच्छा, पापड़ को बढ़िया से बारीक करके, समझ गया, क्रश करके उसको लेयर लगा के बनाते हैं। हाँ, फ्राई करके।
बढ़िया। और स्टार्टर की काफी तारीफ हमारे कस्टमर करते हैं कि स्टार्टर बहुत बढ़िया है। नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया स्टार्टर्स हैं। तो अब मैं आपकी ट्राई करता हूँ, ये जो मेन आइटम है आपकी बाटी और चोखा, और इसको मैं दाल के साथ भी ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके गाइस, ये चोखा होता है जैसे कि अवनीश जी ने बताया था, इसके इंग्रेडिएंट्स आप बताइए एक बारी हमारे ऑडियंस को क्या क्या होता है। ये चोखा है हमारे यहाँ का बहुत फेमस चोखा है, इसलिए हमारे रेस्टोरेंट का नाम ही हो गया है बाटी चोखा रेस्टोरेंट। ओके, और इस चोखे में हम लोग जो है आलू रहता है, भुना हुआ आलू रहता है, भुना हुआ टमाटर रहता है और भुना हुआ बैगन रहता है। बैगन को अच्छे से हम लोग जो है इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करके इसमें मस्टर्ड ऑयल, इसके बाद धनिया की पत्ती और ये सब डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स करके हम लोग देते हैं। और गाइस अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये जो मुझे फीलिंग दे रहा है, ये एक्चुअली बैगन के भरते वाली फीलिंग आ रही है इसमें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी महक आ रही है और एक मस्टर्ड ऑयल का जो एक फ्लेवर आता है इसमें बहुत निखर के आ रहा है। एक्चुअली में ये बैगन का भरता ही है जिसका नाम चोखा रखा गया, बट इसमें और सब्जियां ऐड ऑन कर दी गई हैं, और ये ड्राई आइटम होती है, ड्राई मेन कोर्स में आता है। ये फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा है। और अब मैं इनकी थोड़ी सी दाल लेता हूँ। दाल में घी, एक सेकंड, हमारी अच्छा, जो घी है, अच्छा है, आपका ये काओ का घी जो प्योर घी है, जब तक गाय का घी दाल में डाल देते हैं तो इसकी स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छा, ये बाटी में भी बढ़ता है। बाटी को आप इसे फोड़, हाँ, वो पहले फोड़ के वो करना पड़ेगा। लुक एट दिस गाइस, अब डालिए इसमें घी। अब ये पड़ गया घी गाइस, जैसे आप देख सकते हैं डूब गया है मेरा पूरा बाटी घी में। तो अब ट्राई करते हैं हम, अब मैं दाल भी थोड़ी सी आपकी ट्राई करता हूँ। दाल मैं इसी में लेके खाता हूँ। गाइस मैं पहली बार खा रहा हूँ बाटी चोखा, और ट्रस्ट भी मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। बहुत बढ़िया आइटम है, मतलब क्या बात है। अगर मैं देसी घी का जो इसमें फ्लेवर आ रहा है, और दाल भी बहुत अच्छी दाल है, घर जैसी दाल है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बहुत लाइट प्रॉपर मसालों का यूज हुआ है इसमें। और रही बात इसकी, तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि इसमें भी एक बैगन के भरते का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और ये भी बहुत अच्छी सब्जी है। मेरे हिसाब से तो 10 out of 10 है गाइस इनका बाटी चोखा। और ये फरा, ये भी बहुत अच्छी आइटम है इनकी, तो ये भी जरूर ट्राई कीजिए। बहुत यूनिक, बहुत अलग है, बहुत अच्छे है। तो मेरे ख्याल से तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अवनीश जी बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस रेट पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं मैं बहुत हैरान हूं। बट थैंक्स टू यू कि आप लोग मतलब इतनी प्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इतने कम रेट्स में, और जो आपका ये फाइन डाइनिंग का एक जो माहौल है, आई मीन सीरियसली गाइज, मैंने ऐसा माहौल किसी भी शहर में नहीं देखा, और मैं हैरान हूं कि बनारस जैसे शहर में लाइक ऐसा माहौल मिल रहा है आपको, और इतने कम रेट्स पे आपको ये जो क्वालिटी और जो प्योरिटी ये प्रोवाइड करा रहे हैं गाइस, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा प्रोवाइड करा भी सकता है। आई डोंट थिंक सो। तो सर मैं तो आपको कहूँगा आप आइए हमारे दिल्ली और खोलिए अपनी ब्रांचेस दिल्ली में, क्योंकि आप जैसे लोगों को तो वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल सही, बड़े बड़े शहरों में अपनी, नोएडा में अपनी प्लानिंग चल रही है। हाँ, तो करिए प्लीज, क्योंकि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप ये ट्रेडिशनल विलेज फूड ट्राई करना चाहते हैं, और पूर्वांचल का, आई मीन सिर्फ पूर्वांचल नहीं, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो वहाँ के लोगों को भी बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट मैं राजस्थान की बात करूं, वहाँ पे दाल बाटी चूरमा के नाम से मशहूर है। आइटम सेम है, जगहें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, नाम बदल जाते हैं, बट खाना वही रहता है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है, फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, यही बात है बस। भारत की और क्या है। हाँ, मैं अब आपका एक पनीर बाटी भी चेक करता हूँ। तो गाइस ये तो मैंने खाया था सत्तू का, जैसे आपको बताया था चने का आटा होता है इसके अंदर, आटे में मिला के ये बाटी बनाते हैं। और गाइस ये है इनकी पनीर फिलिंग वाली बाटी, इसको भी मैं थोड़ा तोड़ता हूँ, थोड़ा सा ही डालिए। तो गैस ये है पनीर बाटी, ये भी मैं इनकी टेस्ट करके बताता हूँ। तो गैस जैसे अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि आप इसमें फिलिंग चेक करिए, इसमें पूरी पनीर की फिलिंग होती है अंदर, उसमें होती है सत्तू की फिलिंग, इसमें होती है पनीर की फिलिंग, मसालों में इससे बनाया जाता है इसको, जैसे पनीर की भुर्जी टाइप होती है। हाँ, पनीर है, थोड़ा हाँ, पनीर हो गया, धनिया हो गया, अनियन हो गया, और अपने मसालों से आप इनको तैयार करके इसमें फिलिंग भरते हैं। तो ये भी मैं इनकी चेक करता हूँ और आपको श्योर आपको बताता हूँ कैसी है। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, उम्दा, मजा आ गया गाइस। मेरे हिसाब से जितना इसमें घी पड़ा है, वैसे जो अगर मैं सारी आइटम्स बताऊं तो आई थिंक एक बंदा आराम से इतनी थाली खा सकता है, इंजॉय कर सकता है आपके यहाँ पे आराम से। और वैसे तो खाने में तो काफी हैवी होती है बाटी, क्योंकि इसमें पूरा देसी घी डाल दिया जाता है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ कि जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो मसाले जो उनके तेज मसाले होते हैं, बाहर के मसाले होते हैं, उससे आपको डाइजेशन, मुझे नहीं लगता ये खा के आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके लिए ये लोग मट्ठा प्रोवाइड कराते हैं, तभी ये लोग कहते हैं कि हमारी वेलकम ड्रिंक है, क्योंकि जब भी आप थोड़ा हैवी खाएं तो उससे पहले वेलकम ड्रिंक ट्राई कर लीजिए, ताकि आपका वैसे ही पाचन ठीक हो जाए और आप इंजॉय कर सकें। हाँ जी बताइए इसके बारे में।
दही का जो है मेन सिग्नेचर ये है, को हम स्वीट में प्रोवाइड करते हैं। हमारे तीन स्वीट इसमें अवेलेबल होते हैं। एक होता है चूरमा, और एक होता है आपका मूंग दाल का हलवा, और ये होता है खीर। अच्छा। और सबसे बेस्ट में हमारे तीनों आइटम है, लेकिन सबसे ज्यादा सिग्नेचर अगर बात करें तो खीर का है, क्योंकि खीर मेरे ख्याल से इसलिए प्रेफरेबल होती है क्योंकि अगर आप इतना ऑथेंटिक खाना खा रहे हैं, विलेज वाली फीलिंग ले रहे हैं, तो आई थिंक इससे ज्यादा ऑथेंटिक आपको क्या मिलेगा। मतलब खीर एक ऑथेंटिक, इसमें अपनी एक ऑथेंटिसिटी है खीर में, जो कि लोग जरूर पसंद करेंगे इसको खाने के बाद। तो ये भी खाके आपको बताते हैं कैसा है। ये आ गया हमारा कोकोनट टेंगो, तब तक मैं आपको खीर ट्राई करके बताता हूँ कैसी है। बहुत बढ़िया, मैं क्या ही तारीफ करूँ यार, मेरे पास तो वर्ड्स भी खत्म हो गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बढ़िया चीज है, और ये खीर तो गाइस गजब है, गजब कसम से कह रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छी खीर है। अगेन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मेरी माँ के हाथ का खाना है। ट्रस्ट मी, मतलब वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे वही फीलिंग आ रही है बनारस बैठ के। हालांकि मैं दिल्ली का हूँ, बट मुझे बनारस में अपनी माँ के हाथ का खाना याद आ गया। तो बहुत बढ़िया गाइस। और खीर का अगर आप टेक्सचर देखिए, आप देखिए कितनी गाढ़ी खीर है, मजा आ गया। यूजली हर जगह पतली खीर मिलती है, पानी की तरह होती है, बट ये बिल्कुल रबड़ी की तरह है। और ट्रस्ट मी सर, और मीठा भी प्रॉपर है इसमें, ना ज्यादा मीठा है ना कम मीठा है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ही है, बहुत अच्छा। तो शुगर फ्री का भी आपके लिए कोई ऑप्शन है आपके पास, कोई लोगों के लिए जो लोग मीठा खाना नहीं पसंद करते, कम खाते हैं जो, उनके लिए कोई ऑप्शन है आपके पास शुगर फ्री में? नहीं, शुगर फ्री का अभी ऑप्शन नहीं है। अच्छा। इन फ्यूचर हम लोग उनके बारे में भी सोच रहे हैं। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जो डायबिटिक होते हैं या फिर जो नहीं खाना पसंद करते हैं मीठा, लेकिन हमारा खाना इतना अच्छा है कि जो डायबिटिक होते हैं वो कहते हैं यार मैं तो रोज चीनी को अवॉइड कर ही रहा हूँ। हाँ। लेकिन आज मुझसे ये चीनी अवॉइड नहीं हो रही। अच्छा, है तो और मैं उनका चीट डे होता है। हाँ, वो बोलते हैं आज तो मैं खीर दो बार लूंगा, रिपीट करूंगा। तो हम बड़े खुशी खुशी उनको दो बार जो है। तो गाइज, अगर आप में से कोई डायबिटिक है तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप दो तीन तीन बार खाइए। आप शुगर फ्री या तो अपने साथ रखिए, वैसे ही शुरू करने वाले हैं, अगर आपको इंजॉय करना है खीर तो आप शुगर फ्री अपना भी यूज कर सकते हैं, बट दो तीन तीन बार मैं भी आपको नहीं खाऊंगा, आई मीन अच्छा नहीं लगता। बाकी आप खाने को खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहुत बेहतरीन खीर है, मजा आ गया। शुरू से मेरी नजर इसके ऊपर थी जब से मैंने इसको देखा है, कोकोनट टेंगो। अतरंगी, देखिए मेरी नजर ना अतरंगी चीजों पे बहुत जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे चैनल का नाम भी अतरंगी है, थोड़ा अलग से है। बिल्कुल। तो मैं भी थोड़ा बहुत सा हूँ अतरंगी, करते हैं इसको ट्राई। पहले आप इसके कुछ मेकिंग के बारे में बताइए, इसकी क्या कैसी मेकिंग होती है इसकी? ये नारियल का, हम लोगों ने जो नारियल होता है, अच्छा, उसके ऊपर से इस सजावट के रूप में इसको लिया है। ये कोकोनट है एक्चुअली गाइस, अगर आप देखेंगे ये कोकोनट के पीसेस होते हैं जो इन्होंने काट के ऊपर रखे होते हैं, और ये होती है क्रीम नीचे आए थे। हाँ जी बिल्कुल। ओके, ये आप कोकोनट वाटर में मिलाते हैं इसको, क्रीम को बनाते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, ये कोकोनट पानी जो है इसके अंदर इसमें डाला हुआ है। ओके, और गाइस ये जो आइटम है ये पूरे बनारस में सिर्फ इन्हीं के पास अवेलेबल है, तो मेक श्योर अगर आपको कोकोनट टैंगो ट्राई करना है तो आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, रिमेम्बर दैट। तो ट्राई करते हैं, ये भी बहुत यमी लग रहा है। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप बनारस आके यहाँ नहीं आए, मुझे नहीं लगता कि आपका बनारस का टूर कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अगर आपको यहाँ का जायका लेना है और कुछ अलग कुछ यूनिक जायका लेना है, प्लीज यहाँ पे आइए और इंजॉय कीजिए अपनी थाली, इंजॉय कीजिए अपनी स्वीट्स को, खीर को। इनके जो कोकोनट टैंगो है ये भी बहुत अलग आइटम है, बहुत अटके है, इसका जायका कुछ अलग है, बहुत बढ़िया है ये भी। तो अगेन इस डिश को भी 10 out of 10 है गाइस। तो ओवरऑल गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपके यहाँ पे। बिल्कुल सर, आई होप हमारी ऑडियंस को भी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके भी हम बहुत आभारी हैं कि आपने इतना हमें हेल्प किया, सब कुछ समझाया बहुत अच्छी तरह। तो गाइस आपका स्वागत है सर, हमारा ये प्लेजर है, हमने थैंक यू वेरी मच। हमारे ऑडियंस को एक बार यहाँ की टाइमिंग बता दीजिए, अब क्या क्या टाइमिंग है? हमारी जो टाइमिंग है, हमारा रेस्टोरेंट जो है 12 बजे जो है ये ऊपर वाला रेस्टोरेंट चालू हो जाता है। ओके, और 11 बजे 11 o'clock नीचे वाला रेस्टोरेंट चालू हो जाता है। तो जब भी हमारे जो भी गेस्ट हैं अगर वो आना चाहें तो यहाँ पर आने का जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक है। 10 बजे तो सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जी। इसके बाद जो कस्टमर हमारे आ जाते हैं 10 बजे, उनको हम लोग अच्छे से खिला रहे हैं। 365 डेज आपका ओपन है। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा सब कुछ। तो करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को एंड महादेव के जयकारे के साथ। हर हर महादेव। नमस्कार।